अस्पताल में सैकड़ों मरीज और डॉक्टर का पता नहीं। ये हालत है बिहार के सोनपुर की, जहां एक ही गांव के 400 लोग बीमार पड़ गए। इमरजेंसी जैसे हालात के बीच जिला प्रशासन ने राजधानी पटना से मदद मांगी, जिसके बाद पटना से 3 एम्बुलेंस के साथ साथ आसपास के दर्जनों एम्बुलेंस को सोनपुर भेजा गया। देर रात तक एम्बुलेंस गांव में घूमकर मरीजों को अस्पताल पहुंचाती रही। अचानक सैकड़ों लोगों के एक साथ बीमार होने और अस्पताल पहुंचने से इमरजेंसी जैसे हालात हो गए। सैकड़ों लोगों के बीमार होने से अस्पताल में बेड कम पड़ गए और मरीजों को जमीन पर रास्ते में कुर्सियों पर लिटा कर इलाज किया गया। मरीजों के परिजन का कहना है कि यहाँ ना दवाइयाँ हैं ना ही डॉक्टर। मतलब यहाँ पे डॉक्टर्स की टीम मेडिकल डॉक्टर जहाँ बैठे हुए थे वहाँ पर गए तो डॉक्टर नहीं था वहाँ पर। सरकार के यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ मतलब लोगों को मुल्हा बनाया गया है दिमाग भटकाने के लिए कि मैं यहाँ व्यवस्था कर रहा हूँ और यहाँ कुछ नहीं। पानी भेजा, उसका किट काट नहीं ना उसका स्लाइन सेटर कुछ नहीं, ये मतलब क्या व्यवस्था है। कितना देर रुके डॉक्टर? मुश्किल से बमुश्किल आधा घंटा भी यहाँ नहीं रुके होंगे। तो अभी क्या स्थिति है यहाँ? अभी हॉस्पिटल भरा हुआ है, यहाँ गांव से जो आ रहा है उसको एम्बुलेंस के द्वारा भेजा जा रहा है। यहाँ इलाज की कोई व्यवस्था? यहाँ इलाज की अभी प्रेजेंट में कोई व्यवस्था नहीं है। ये 2 घंटा पहले यहाँ से व्यवस्था समाप्त हो चुका है। पर ये सब तक तो ठीक था, पर इन साहब को देखिए, ये सोनपुर थाने से आए हैं। यहाँ से 400 मरीजों का हाल जानकर आगे अफसरों को बताएंगे, पर जैसे ही स्थिति को लेकर सवाल पूछा गया तो ईसाई साहब मुस्कुराते दिखे। नहीं नहीं, किस काम के लिए आप लोगों को भेजा गया? यही जो हुआ है वही कंट के लिए कि मैंने देखा देखिए वहाँ क्या स्थिति है, क्या बना हुआ है, क्या डॉक्टर साहब है, केहन है, कौन रोगी। तो गाँव में तो लोग बीमार है, डॉक्टर है यहाँ पे? आप जहाँ स्वास्थ्य नहीं, अभी तो हम आए हैं तो डॉक्टर साहब ने है। प्रशासन ने दावा किया कि गांव में इमरजेंसी स्वास्थ्य केंद्र बना दिया गया है और डॉक्टर की टीम और दवा का इंतजाम गांव में ही कर दिया गया है, लेकिन गांव में ना तो स्वास्थ्य कैंप दिखा, ना डॉक्टर ना दवाएं। दरअसल प्रशासन ने जिस अकेले डॉक्टर को दवाओं के साथ गांव के कैंप के लिए भेजा था वो गांव पहुँचने के चंद मिनटों के बाद ही फरार हो गया। स्वास्थ्य कैंप में डॉक्टर के बजाय पुलिस के जवान और अधिकारी तैनात दिखे। डॉक्टर के फरार होने की बात को जिले के सिविल सर्जन ने माना और कहा कि दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 14 सोनपुर के बैजलपुर के रहने वाले हैं। आशंका जताई जा रही है कि एक शादी के भोज में खाने की वजह से लोग फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं, लेकिन इस पर कुछ भी कहने से अधिकारी भी बच रहे हैं। एहतियात के तौर पर गांव और अस्पताल में सभी लोगों को मास्क मुहैया करा दिया गया है, लेकिन डॉक्टर और दवाइयां अब भी गायब हैं। सोनपुर से संदीप आनंद, बिहार तक।